मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज पूरे ही देशभर में चर्चा हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ किसान आंदोलन को लेकर। जिस तरह से पंजाब और हरियाणा से किसान निकल चुके हैं अपनी पूरी की पूरी टोली के साथ, क्योंकि उनकी मांग है केंद्र की मोदी सरकार से कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए, अगर ये मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम इसी तरीके से आंदोलन करते रहेंगे। नजारा इस तरह का देखने को मिला कि जिसे देखकर सभी हैरान रह गए, क्योंकि किसानों के रास्ते में कील कांटे तक बिछा दिए गए। ना सिर्फ कील और कांटे बिछा दिए गए बल्कि ये तक देखा गया है कि किसानों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दाग दिए, और इन आंसू गैस के गोलों को किस तरीके से बरसाया गया, ड्रोन के जरिए इन गोलों को बरसा दिया गया। और ऐसे में देखा गया है कि जिस देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है उस देश में किसानों के प्रति किस तरीके का व्यवहार देखने को मिल रहा है। सौतेला जैसा व्यवहार उनके साथ नजर आ रहा है, उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है। जो प्रधानमंत्री देश के विकास की बात करते हैं, अगर बात यहां पर देश के विकास की ही है तो आखिरकार वो प्रधानमंत्री इस पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। ना सिर्फ किसान आंदोलन पर बल्कि महिला पहलवानों के साथ जो देखने को मिला उस पर भी पीएम मोदी चुप रहे। पहले देखा जाता था कि जब ये महिलाएं गोल्ड मेडल जीत कर लाया करती थी तो उन्हें चाय पर बुलाया जाता था, उनके साथ चर्चा की जाती थी, उनसे कहा जाता था कि आप हमारी बेटियों के समान हैं। लेकिन देखा गया जब बात आई आपके बीजेपी सांसद की, ब्रजभूषण शरण सिंह की, तो यहां पर यही देखा गया कि पीएम मोदी की चुप्पी नजर आई। इसके अलावा बात मणिपुर की ही कर ली जाए, सदन में पीएम मोदी को बुला तक लिया गया था लेकिन देखा गया कि पीएम मोदी कुछ ही सेकंड्स के लिए अपनी बात रखते हैं मणिपुर हिंसा पर। लेकिन आज एक बार फिर से बारी आ चुकी है किसानों के आंदोलन की। वो किसान जो 2 साल पहले भी सड़कों पर उतरते हुए नजर आए थे, वो किसान जो लगातार मांग रखते हुए नजर आए थे, 13 बड़ी मांगे रखी गई लेकिन आज ये कहा जा रहा है कि 10 मांगे पूरी कर दी गई हैं। अगर 10 मांगे वाकई में पूरी कर दी गई होती तो ये किसान इस तरीके से सड़कों पर नहीं उतरते। तो आज जो हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं उन तस्वीरों पर रुक कर लिया जाए तो वाकई में जनता भी हैरान होती हुई नजर आएगी। तो सबसे पहले यहां पर उन तस्वीरों पर रुक कर लिया जाए कि किस तरीके से इन किसानों के रास्ते में कांटे बिछा दिए गए हैं, गोले यहां पर बरसाए जा रहे हैं वो भी ड्रोन के जरिए, लाठी चार्ज पथराव होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में देखा जाए पीएम मोदी एक बार फिर से निशाने पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले यहां पर आपको तमाम तस्वीरें दिखाते हैं कि किसानों के साथ किस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है और इस तरीके के व्यवहार को क्या कहा जाए। क्या किसानों ने यहां पर अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए अगर सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर दिया है, प्रदर्शन कर दिया है, तो क्या उसे पाप कहा जाएगा, क्योंकि वह सिर्फ और सिर्फ यहां पर अपनी मांगों को पूरा कराना चाहते हैं। और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहां पर किसान जिस तरीके से मांग कर रहे हैं तो विपक्षी दल भी मैदान में उतर आए हैं। तो सबसे पहले यहां पर पूरी स्थिति आपको दिखाते हैं कि सिंघू बॉर्डर हो, शंभू बॉर्डर हो, लेकिन यहां पर यही देखा जा रहा है कि पुलिस ने किस तरीके से यहां पर एक्शन लिया है और यही एक्शन सवाल खड़े कर रहा है कि किसानों के साथ आखिरकार इतनी क्रूरता का व्यवहार क्यों है, आखिरकार मोदी सरकार यहां पर क्यों नहीं बोलती है। आप तो यह कहते हैं कि शांति से प्रदर्शन कीजिए, अगर शांति की ही बात है तो शांति से और समय से पहले ही फैसला ले लिया जाता तो शायद ये किसान आंदोलन करते हुए नजर नहीं आते। तो सबसे पहले यहां पर किसानों के साथ जो व्यवहार हुआ है, क्रूरता का व्यवहार देखने को मिला है, पुलिस का जो दुर्व्यवहार नजर आया है वो आपको दिखाते हैं कि कैसे वह किसानों के साथ क्रूरता का व्यवहार करते हुए नजर आए हैं। देखिए भाई करम, ऊपर मत खड़े हो यार, मैं तुमको कई बार बोल रहा हूँ गिर जाओ। दादा दादा प्लीज, हेलो थोड़ा नीचे आ जाओ प्लीज। क्या कारण है कि देश
खड़े हो रहे थे देखे तो ना
भाई मत करे देखा दर्शकों आपने किस तरह से यहाँ पर किसानों के साथ एक क्रूरता का व्यवहार देखने को मिला है। वो किसान जो अपने घरों से बाहर निकले हैं सिर्फ और सिर्फ उनकी मांगों को पूरा कर दिया जाए, और ऐसे में देखा जाए जो किसान देश के लिए रीढ़ की हड्डी माना जाता है उस किसान के साथ इस तरह का व्यवहार देखने को मिला है। इसी को देखते हुए तमाम विपक्षी दल हैं जो लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हैं और जो साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि आखिरकार आंसू के गोले क्यों दागे जा रहे हैं, आखिरकार ये गोले क्यों छोड़े जा रहे हैं, कील पत्थर हो या फिर यहां पर कांटे हो, ये क्यों बिछाए जा रहे हैं यहां पर किसानों के लिए, वह प्रदर्शनकारी हैं। तो ऐसे में सरकार को तो कुछ सुविधा उन्हें मुहैया करानी चाहिए, बल्कि यहां तो ये देखने को मिल रहा है कि किसानों के साथ और भी तरीके से बुरा व्यवहार किया जा रहा है, उनकी मुश्किलों को इस तरीके से बढ़ा दिया जा रहा है जिससे कि वह घर वापसी कर जाए। लेकिन ये किसान इतनी आसानी से मानने वालों में से नहीं है, क्योंकि साफ तौर पर यहां पर संकेत मिल चुका है कि 6 महीने के खाने पीने का बंदोबस्त करके वह घर से निकले हैं, जिससे कि साफ जाहिर होता है कि 4 महीने बाद आम चुनाव हैं और इन चुनाव से पहले जिस तरीके से यहां पर जो फैसला लेते हुए नजर आ रहे हैं राजनीतिक दल, जीत का यहां पर दावा करते हुए नजर आ रही है बीजेपी, उस बीजेपी को यहां पर वह चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में किसान अपने घर से जिस तरीके से निकल चुके हैं उसे देखते हुए अब यहां पर नेता राजनेता लगातार अपनी बात कह रहे हैं। तो सबसे पहले यहां पर आपको वो बयान सुनाते हैं जो भारतीय यूनियन संघ के नेता जो राकेश टिकैत कहते हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि आखिरकार उन्हें रोका क्यों जा रहा है, आखिरकार यहां पर उन्हें न्याय क्यों नहीं मिल रहा, आखिरकार यहां पर किसान जिस तरीके से आंदोलन छेड़ते हुए नजर आ रहे हैं, दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, दिल्ली चलो का नारा लगातार वह लगाते हुए नजर आ रहे हैं, तो उन किसानों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। तो राकेश टिकैत फिलहाल तो यहां पर इस आंदोलन में नजर नहीं आ रहे, लेकिन साफ तौर पर किसानों के समर्थन में वह हैं। तो सबसे पहले यहां पर राकेश टिकैत का वो बयान सुनाते हैं, आखिरकार वह क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं और वह भी मोदी सरकार से बड़ी मांग रखते हुए देखे जा रहे हैं। देखिए जरा, ना हमारे से दिल्ली दूर है ना किसान दूर है, अपनी बात कहने आ रहे हैं। पूरा देश में अलग अलग तरीके से लोग अब अपनी बात कह रहे हैं, तो सरकार उनकी बात सुने। और सबके मुद्दे एक हैं, वो कर्जा माफी का है, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट का लागू करने का है, MSP गारंटी कानून का है, फसलों के दाम का सवाल है, तो ये सब इशू हैं, बिजली अमेंडमेंट बिल का है ना, उसका एक संगठन है, उनका वो प्रोग्राम है, उन्होंने उसकी कॉल दे रखी है, और अगर उनके साथ में कोई अनजस्टिड होगा तो सब किसान देश का साथ में है। ना हमारे से दिल्ली दूर है ना किसान दूर है, अपनी बात कहने आ रहे हैं। पूरा देश में अलग अलग तरीके से लोग अब अपनी बात कह रहे हैं, तो सरकार उनकी बात सुने। और सबके मुद्दे एक हैं, वो कर्जा माफी का है, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट का लागू करने का है, MSP गारंटी कानून का है, फसलों के दाम का सवाल है, तो ये सब इशू हैं, बिजली अमेंडमेंट बिल। आपने देखा कि किस तरह से राकेश टिकैत ने यहाँ पर अपनी बात रखी, लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि आखिरकार विपक्षी दल के जो नेता हैं वह जो अपनी बात रख रहे हैं, क्या वाकई में वो किसानों के समर्थन में हैं या फिर यहाँ पर राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आगे आ चुके हैं। बात कर ली जाए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बारे में, जो सोशल मीडिया पर ट्वीट के जरिए अपनी बात रखी है, जिन्होंने सोशल मीडिया पर साफ तौर पर कहा है कि मोदी जी ने 10 सालों में कुछ नहीं किया, सिर्फ लोगों को ठगा है और वह देखा जाए तो न्याय के नाम पर कुछ नहीं करते हैं। आज किसानों का जिस तरीके से आंदोलन देखने को मिल रहा है उसे देखते हुए राहुल गांधी साफ तौर पर कह रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ धोखा ही दे सकते हैं। दूसरी ही तरफ प्रियंका गांधी ने भी अपनी बात रखी, और ऐसे में देखा जाए तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी मैदान में उतर आए, अखिलेश यादव भी यहां पर अपनी नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं और साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि आंसू गैस के गोले छोड़ने की जरूरत ही क्या थी। 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इन लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए तमाम राजनीतिक दलों ने एकजुट होकर एक बड़ी चुनौती दी है कि कैसे भी करके केंद्र से इस सरकार को उखाड़ कर फेंक देना है। तो क्या वाकई में अब ये नेता राजनेता लगातार जो अपनी बात रख रहे हैं, क्या मोदी सरकार की मुश्किलों को ये भी बढ़ा देंगे? तो सबसे पहले यहां पर
अखिलेश यादव के उस बयान के बारे में आपको बताते हैं कि अखिलेश यादव ने यहां पर क्या कुछ कहा। अखिलेश यादव जो 80 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने का दावा करते हुए नजर आए हैं एक वक्त, लेकिन अब देखा जाए 30 से 35 सीटों पर वह चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में। लेकिन अखिलेश यादव साफ तौर पर मोदी जी को अब चुनौती दे रहे हैं और इस किसान आंदोलन पर उन्होंने भी खुलकर अपनी बात रखी। सुनिए जरा कि अखिलेश यादव क्या कुछ कहते हैं। कल सर वहां मंदिर का उद्घाटन करेंगे, क्या कहेंगे उसमें, क्या कहना? वहाँ की सरकार ने बुलाया है, वहाँ के लोगों ने बनाया है और हमारे भारत का, और भारत में हर जगह भगवान के मंदिर हैं, कौन सी जगह नहीं है, और दुनिया में फैले हुए हैं। यूरोप में चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, भगवान कृष्ण के न जाने कितने मंदिर आपको मिलेंगे। यूरोप में मिल जाएंगे, रशिया में मिल जाएंगे, अबू धाबी और आसपास भगवान कृष्ण के मिल जाएंगे। तो ये कोई आज से थोड़ी मंदिर बन रहे हैं, जाने कब से बन रहे हैं। और अगर आप जानकारी करेंगे, बहुत सारे लोग भारत से प्रभावित होकर के दूसरे देशों से भारत आए शांति की तलाश में, जीवन का मतलब समझे उसके लिए। बीटल्स के बारे में सुना होगा, जिस समय वो पीक पे थे अपने, उस समय भारत में ही आए और कई आश्रम में रहे और भगवान कृष्ण के शरण में भी रह गए। तो ये भारत हमारे धर्मों का देश है, लेकिन हमें विवेकानंद जी को याद रखना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि हमारे देश में धर्म की कमी नहीं है, धर्म बहुत है, लेकिन रोटी कब मिलेगी और रोजगार कब मिलेंगे। धर्म का स्थान अपना है, अलग है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है लोगों को न्याय दें, सामाजिक न्याय मिले, रोटी मिले, रोजगार मिले और किसानों का हक और सम्मान बचा रहे। ये पेपर लीक कोई पहला नहीं हुआ है। इस सरकार में कोई भी परीक्षा होगी बिना पेपर लीक के परीक्षा पूरी नहीं हुई है। सवाल पेपर लीक का तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो संस्थाएं पेपर कराती हैं और जिन संस्थाओं पे जांच चली जाती है, जब पहला पेपर लीक हुआ होगा तो ये किसने जांच की? ये क्या वजह है सरकार पेपर लीक होने के बाद एक ही संस्था के पास ही जांच के लिए भेज देती है? सर प्रधानमंत्री, और जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि आंसू गैस और उससे पहले किसानों को रोकने के लिए, आंदोलन को खत्म करने के लिए कीलों से लेकर के न जाने क्या क्या दीवारें तक खड़ी की गई, और प्रशासन के माध्यम से जो सरकार कर सकती थी वो सरकार कर रही है। दिल्ली की सरकार जानबूझ करके किसानों की आवाज दबाना चाहती है। ये वही सरकार के लोग हैं जिन्होंने किसान को कहा कि उनकी आय दोगुनी हो जाएगी, फसल की कीमत मिलेगी, MSP लागू करेंगे। कुछ वर्षों पहले हमने और आपने देखा किसान आकर के धरने पे बैठ गए, 800 से ज्यादा किसानों की आत्महत्या हुई या हत्या हो गई, जान चली गई, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार किसानों को MSP देने के लिए तैयार नहीं है। तो जो सरकार किसानों के नाम पर वोट लेना चाहती हो, जो सरकार स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दे रही हो, जो सरकार किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह जी को सम्मान दे रही हो भारत रत्न, आखिरकार किसान को MSP क्यों नहीं, या MSP देना नहीं चाहती सरकार? बड़े लोगों से मिली हुई है सरकार, जो लोग मुनाफा कमाना चाहते हैं उनसे सरकार मिली हुई है, और उसी का परिणाम यह है कि किसान की आवाज दबाने के लिए लगातार सरकार इसी तरह का व्यवहार कर रही है किसानों के साथ। आने वाले चुनाव में जो 2024 को होने जा रहा है, देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटा देगी। किसानों को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। आज किसान दिल्ली के ओर चले जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, उन पे टियर गैस चलाई जा रही है, उनको जेल में भरा जा रहा है, और वो क्या कह रहे हैं? सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारी मेहनत का फल हमें मिलना चाहिए। स्वामीनाथन जी को बीजेपी की सरकार ने
भारत रत्न दिया, मगर जिस चीज के लिए स्वामीनाथन जी ने अपनी जिंदगी दी, हिंदुस्तान के किसानों के लिए जो उन्होंने मेहनत की, जो स्वामीनाथन जी ने कहा उसको करने के लिए तैयार नहीं है। इसका क्या मतलब है? स्वामीनाथन जी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है, आपने सुना कि किस तरह से मोदी को चुनौती दे डाली है इन सभी नेताओं ने, और साफ तौर पर वह कहते हैं कि देखिए किसानों की मांगों को पूरा कर देना चाहिए, और ऐसे में 2024 के जो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं मोदी सरकार को नुकसान भी हो सकता है, वोट बैंक जो है वो घटता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि ना सिर्फ किसानों की वजह से बल्कि ऐसे तमाम राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे हैं जिनके चलते कहीं ना कहीं मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं मोदी सरकार की, और ऐसे में देखा तो 3 से 4 महीनों का वक्त बाकी रह गया है। पीएम मोदी विदेश दौरे पर आज नजर आए, लेकिन किसान देखे गए हैं कि किस तरीके से वह पंजाब हरियाणा से बाहर निकल आए हैं। आपको यहां पर उन तस्वीरों के बारे में भी बताएंगे जो बॉर्डर है, जैसे कि शंभू बॉर्डर है, सिंघू बॉर्डर है, टिकरी बॉर्डर है, जहां पर एक तनावपूर्ण स्थिति नजर आई है। आप समझ ही सकते हैं कि आंसू गैस के गोले छोड़ दिए गए हैं, और ऐसे में किसानों के बीच भगदड़ मचती हुई नजर आई है। तो देखिए किसानों का हाल कितना बुरा नजर आ रहा है, लेकिन मोदी सरकार की चुप्पी यहां पर लगातार सवाल खड़े करती है। देखिए जरा, दूर तो दूर तो चुकी है। अब यही देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को कितना बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि सर्वे रिपोर्ट्स की माने तो यही देखा जा रहा है कि एक बार फिर से मोदी सरकार ही बनती हुई नजर आएगी। लेकिन क्या विपक्षी दल यहां पर किसानों के साथ जो क्रूरता हो रही है उसे देखते हुए मोदी सरकार को पीछे कर पाएगा, हरा पाएगा या फिर नहीं, ये बड़ा सवाल उठता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।